और इंदौर की बात करूं तो इंदौर है 750 किलोमीटर, और क्या कोहरा आया यार एकदम से यहाँ पर राजस्थान में, लिटरली डर लग रहा है मुझे इसके अंदर। अगर मैं 1 बजे कोटा पहुंच गया तो फिर इंदौर ही मारेंगे सीधा। तो वेलकम टू मध्य प्रदेश, रात को चलानी पड़ रही है और साले अफर डिफर मार के चलाते हैं। तो फाइनली इंटरिंग इंदौर और 750 किलोमीटर एक दिन में पूरे करे आज। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो निकलने का समय आ चुका है। फिलहाल मैं हूँ हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर, राजस्थान साइड रुका था मैं, और अभी 8 बज रही है और 8 बजे आज बहुत जल्दी निकल गया मैं। 7 बजे निकल जाना था पर ठीक है, फिर भी रोज़ के मुकाबले तो जल्दी निकला आज मैं, वरना 11, 12 बजे निकल रहा था मैं 4 घंटे पहले। आज 4 घंटे ज़्यादा है मेरे पास राइडिंग के, और जयपुर बचा है यहाँ से 150 किलोमीटर्स। और इंदौर की बात करूं तो इंदौर है 750 किलोमीटर, देखते हैं आज मार पाते हैं कि नहीं। कोशिश तो इंदौर की है मेरी, और ये सब दुकानें हैं यहाँ पर चीज़ों की, बॉर्डर मार्केट कह सकते हैं इसे। और ठंड हो रही है सुबह सुबह, 9 डिग्री बता रहा है तो, और इतना ही है। और यार सुबह मुझे बाइक में सामान वामान लोड करने में बहुत टाइम जाता है, पर आज मैंने इतनी जल्दी जल्दी करा, कल रात को भी कुछ ज़्यादा सामान फैलाया नहीं था तो पैकिंग करनी नहीं पड़ी ज़्यादा, और मज़ा आ गया। पुलिस रोकते हुए लोगों को, पेट्रोल डला लेता हूं। तो फुल कर दो भैया। हाँ कार्ड, हाँ क्या रेट है इधर? अरे बाप रे, हरियाणा में डलवा लेना था, सस्ता था उधर। एमपी में भी इतना ही है हमारे, 109 है, मतलब बराबर ही चलता है एमपी राजस्थान। बस 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 मत करो। तो फाइनली धूप निकली, थोड़ा अच्छा लग रहा है। आज जितनी ठंड लग रही है ना यार, पूरे सफर में इतनी ठंड कहीं नहीं मिली मुझे, बहुत ठंड है यार राजस्थान में। मतलब हिमाचल में भी इतनी ठंड नहीं लग रही थी, यहाँ पर बहुत ठंड लग रही है, पर अब धूप निकली तो अच्छा लग रहा है। जयपुर बचा है मात्र 80 किलोमीटर, तो जयपुर जब मतलब 30-40 किलोमीटर पहले जयपुर के मैं इंदौर डाल दूंगा सीधे, ताकि मेरे को बाईपास से निकाल दे। मजा आ रहा है आज की राइड में, क्योंकि मैं जल्दी निकला, इसलिए इस बात की मुझे खुशी है कि आज मैं जल्दी निकला। 30 किलोमीटर बिफोर जयपुर, 39 टू प्रिसाइज। और क्या कोहरा आया यार एकदम से यहाँ पर राजस्थान में, तो 80 के ऊपर स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। रोड अच्छा है ये बढ़िया बात है, पर कोहरा बहुत है, ये कोहरा स्पीड तोड़ देगा। ठंड बहुत लगती यार, और कोहरे में वही 60-80 भी चल गई तो बहुत बड़ी बात है इस कोहरे में। और यार ये मेरा हैजार्ड फ्लैशर ने बत्ती दी मुझे इस टूर पर, चारों इंडिकेटर मेरे काम नहीं कर रहे थे, एक ही चला के काम चला रहा हूँ मेरा। तो क्रॉसिंग जयपुर, बस मैं सिटी से नहीं निकलना चाहता। पहले एक रास्ता आया था 30 किलोमीटर पहले, मैंने वो नहीं लिया, 17 मिनट फास्टर था, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में सीधे ही आ गया, क्या पता गलती ना कर दी हूँ मैंने यार, क्योंकि सिटी का ट्रैफिक अगर मिल गया तो आज इंदौर नहीं पहुंचना। तो जिस चीज़ का डर था वही हो रहा है, सिटी में से निकल रहा हूँ मैं जयपुर की, प्योर सिटी में से निकल रहा हूँ, रेड लाइट वगैरह सब आ रही है। चलो ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, कहीं प्याज की कचौरी मिल गई ना यार राजस्थान की तो मज़ा आ जाएगा, बढ़िया नाश्ता हो जाएगा। ये टनल क्रॉस कर रहा हूँ मैं कोई सी, अरे बाप रे कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो लाइट चालू है फिर भी कुछ नहीं दिख रहा है, बहुत अंधेरा है इस टनल में तो यार, बहुत अंधेरा है। और एक अलग ही मतलब गर्मी सी है इस टनल में, और नीचे की तरफ है मतलब डाउन हिल टनल है, लिटरली डर लग रहा है मुझे इसके अंदर, क्या आवाजें आ रही है, डरावनी डरावनी खतरनाक होगी। 500-600 मीटर की, और ये निकल गए अपन बाहर, पर अच्छी गर्मी थी इसने, पूरा पहाड़ी उतर रहे मतलब, ये क्या सुंदर पहाड़ी आ गई राजस्थान की, जोधपुर वाली राइड याद आ गई एकदम से, पहाड़ियां देखकर
राजस्थान के सुंदर सुंदर, तब भी ऐसी पहाड़ी आई थी 650 किलोमीटर हमारे थे उस दिन, एक दिन में। खैर गर्मी थी तब। चुम्मा चुम्मा रोड आ गया, चुम्मा रोड आ गया चुम्मा। तो 220 किलोमीटर के बाद पहला ब्रेक लिया है खाने के लिए और चाय वगैरह पीऊंगा, और इसके बाद सीधा रुकेंगे कोटा के बाद। बहुत मजा आ रहा राइड में, राजस्थान के रोड्स तो है ही बढ़िया। तो बस चाय वगैरह पीता हूँ और मिलता हूँ। तो चलते हैं, मात्र 20 मिनट में खा पी के निकला हूँ मैं। अच्छा हुआ भाई ने जल्दी भी दे दिया सब, क्योंकि ये जो ढाबे वाले जब लेट करते ना तो दिमाग खराब होता है। क्योंकि राइडिंग में मतलब ब्रेक ही है हर चीज, आप कितनी जल्दी पहुंच रहे हो किस जगह पर, वो आपकी स्पीड पे भी डिपेंड करता है और आपके ब्रेक्स पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। एक घंटे का ब्रेक सीधे 100 किलोमीटर पीछे कर देता है। और 9 घंटे बता रहा है, अभी 9 बजे मुझे उज्जैन पहुंचा रहा है, पर एक कम होगा अभी क्योंकि राजस्थान के रोड्स हैं। 214 बचा है कोटा, ये कोई सी नदी क्रॉस कर रहा हूँ मैं राजस्थान की, और क्या चुम्मे रास्ते यार, मतलब राजस्थान का भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा आपको रोड्स के मामले में। रोड जैसल में रुके और नाटपरा हर जगह, मतलब कहीं कहीं तो देखो चलता है, हर जगह खराब रहते हैं। 90% रोड राजस्थान के क्या है नीचे कमेंट करके बताओ। और कोटा बचा है यहाँ से 160 किलोमीटर, अगर मैं 1 बजे कोटा पहुंच गया तो फिर इंदौर ही मारेंगे सीधा। तो पिछले 30 किलोमीटर से ये टू लेन घटिया रोड चल रहा है, इसने मेरी स्पीड की 12 बजा दी, पर अब शायद होपफुली बढ़िया रोड है, लेफ्ट लेना है यहाँ से। अच्छा ही रोड है मेरे हिसाब से, कोटा का नया बाईपास है। तो फिलहाल अभी हम कोटा इंटर कर चुके हैं राउटर पे, फोर लेन मिल जाए यार। चलो फोर लेन आ गया, पर ये अच्छी बात है राजस्थान में जहाँ जहाँ रोड्स खराब है ना वहाँ काम चल रहा है, मतलब एक दो साल में सारे रोड्स ही अच्छे हो जाएंगे राजस्थान के। सबसे अच्छे रोड्स जो किसी स्टेट में मिले हैं आज तक वो राजस्थान है। तभी मैंने जोधपुर की राइड 650 किलोमीटर बहुत जल्दी मार ली थी। झालावाड़ 85 किलोमीटर, देवास 352, कोटा लेफ्ट 14, ये बाईपास ले लिया अपन ने। और यार अब मेरे को ये समझ आया कि बाइक के लिए इंडिया में कंक्रीट के रोड ही बेस्ट है, क्योंकि डामर सीधा है ही नहीं, कुछ बहुत कम रोड पर सीधा डामर है, वरना अनइवन डामर ही रहता है, तो उसमें बाइक के चलने का डर रहता है थोड़ा। तो कंक्रीट ही सही है बाइक के लिए, कम से कम सीधे तो रहते हैं एकदम। ये देखो यार कितना चुम्मा ब्रिज बनाया है, सस्पेंशन ब्रिज पूरा, रात को तो और ही खूबसूरत दिखता है ये ब्रिज जब लाइट वगैरह चलती होंगी, बहुत प्यारा शानदार। हर 100-150 किलोमीटर में मैं खड़ा होता हूँ बाइक पर ताकि घुटने सही रहे, वरना उसी ये सेम पोस्चर में 200-250 किलोमीटर हो जाते हैं, क्योंकि खड़े होते से इतना दर्द होता है, इसलिए खड़े होते रहता हूँ, हल्का हल्का रहता हूँ तो बॉडी सही रहती है। अब क्या बताऊँ यार आप लोगों को, इस झालावाड़ ने पूरा मूड खराब कर दिया है, इतनी गालियाँ बकी है मैंने पीछे लोगों को, हर कुछ चला रहे हैं, जगह दे नहीं रहे, ट्रैफिक ही ट्रैफिक, पूरा मजा खराब कर दिया झालावाड़ के ट्रैफिक ने। ये ना अपने लोगों में इतनी समझ नहीं है कि अपने लेन में चलाओ गाड़ी, बीच में चला के राजाओं की तरह घूमते हैं, दिक्कत हमें होती है, क्या रोड से नीचे उतर जाएं क्या। हाँ अपनी लेन में चलाओ, इतना मोटा लेन है, बीच में चलाएंगे। मन तो ऐसा करता है कि रॉकेट लॉन्चर होता गाड़ी में तो एक दो गाड़ी उड़ा देता हमें। तो किसी भी पल हम एमपी इंटर कर जाएंगे, कभी भी एमपी का बॉर्डर आ जाएगा, झालावाड़ क्रॉस कर लिया है मैंने, तो वेलकम टू मध्य प्रदेश। घर वापसी हो चुकी है, अपने घर वाले स्टेट पर आ चुके हैं, पीछे एक ब्रिज था उसको क्रॉस करके जस्ट इंटर किया है एमपी, और इंदौर बचा है यहाँ से 200 किलोमीटर, और आज इंदौर पहुंचेंगे, घर पर ही सोऊंगा आज, ये ठान लिया है और पहुंच ही जाऊंगा, क्योंकि अभी 4 ही बज रही है और 4:45 बज रही है, अभी भी 2 घंटे तो पूरा ही उजाला है और 1 घंटे थोड़ा मध्यम उजाला है, तो 8:30 तक इंदौर इंटर करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अगले 200 किलोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आखिरी के जो किलोमीटर होते हैं उसमें इंसान थोड़ा होश खो बैठता है, घर पहुंचने की एक्साइटमेंट में और वो एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है, प्राउड वाली फीलिंग आती है, तो उसमें होश खो बैठ सकता है इंसान,
और ये लिखा है वेलकम टू इंटीग्रेटेड एमपी चेक पोस्ट। एमपी में इंटर कर लिया है, ट्रकों की जो चेक पोस्ट है वो आने वाली है। ठीक है, इधर पेड़ वेड़ गिरा दिए, कुछ प्रोटेस्ट तो नहीं चल रही है? बाप रे, गाड़ी तो जा ही नहीं रही है। ये देखो पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर, पेड़ गिर गए यहाँ पे, काटे जा रहे हैं उन्हें, लकड़ी काटे जा रही है। तो आगे अब ट्रैफिक तो नहीं मिलना है। अच्छा बाइक तो निकाल ली मैंने, रोड के बीच में गिर गया वो पेड़ और ट्रैफिक जाम भारी। एक तो और आगे अब कोई खास जाम मिलेगा नहीं कारों का। सबसे भैयात, ये मेरा 25-30 किलोमीटर में ही 1-1.5 घंटा निकल गया फोकट, वरना मैं उजाले उजाले में उज्जैन पहुंच जाता। क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया इन रोड्स ने। तो मेरे पूरे सफर का सबसे डिफिकल्ट पैच जो है वो यही है, एमपी के रोड रात को चलानी पड़ रही है और साले अफर डिफर मार के चलाते हैं। एक बार उज्जैन पहुंच जाऊं फिर रोड अच्छा है। तो यदि आप लोग भी अगर इंदौर आ रहे हो राजस्थान से तो ये आगर वाला रोड बिल्कुल मत लेना। राजस्थान तक रोड तो एकदम मस्त है, पर एमपी में घुसते ही आप हालत देख सकते हो रोड्स की क्या हो गई है। ये वाला रूट बिल्कुल मत लेना। अभी और 25 किलोमीटर है उज्जैन, मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं कब पहुंचूंगा और कैसे पहुंचूंगा, वरना मैं अभी तक इंदौर होता घर पर। क्या यार, सारी स्पीड खराब कर दी इसने। मतलब मैंने 90 के ऊपर की एवरेज स्पीड निकाली आज, और ये आखिरी में ये 9 पे ला देगा 90 को। पूरा ऑफ रोड है, बहुत डेंजरस भी है, मतलब अभी तक का सबसे खतरनाक रोड होगा जिस पर मैं राइड कर रहा हूँ। पूरा खुदा हुआ है, बहुत बड़ी गलती कर दी यार। पहले ही थका हुआ हूँ, मतलब लिटरली मैंने 600 किलोमीटर ऑलरेडी चला चुका हूँ, 650 किलोमीटर सॉरी, और मुझे अभी 100 किलोमीटर और चलाना है। पर अगर ये रोड मुझे थका देगा तो मेरी बैंड बज जानी आखिरी में। उज्जैन से इंदौर तो बढ़िया रोड है, वो देख चुका हूँ मैं, और ये रोड बहुत ही बकवास भैयाद, क्या बोलूं मैं यार इसको। तो गाइस मैं फिलहाल 670 या 680 किलोमीटर चला चुका हूँ, और 70 किलोमीटर अभी इंदौर के लिए चलाने हैं। वो लास्ट के 3 घंटों ने मेरी 12 बजा दी, क्या बोलूं अब मैं मतलब 1 घंटा पहले इंदौर पहुंच जाता, 10 घंटे में अपन 750 किलोमीटर कर लेते अगर रोड अच्छा मिल जाता। और आगे भी अभी उज्जैन इंदौर हाईवे तो आया ही नहीं है, पता नहीं कितने बजे पहुंचूंगा, कब पहुंचूंगा। और वो पीछे तो डर ही लग गया था यार कि गलत आ गए, पर शायद अब हाईवे आ गया है। तो फाइनली इंटरिंग इंदौर, और 750 किलोमीटर एक दिन में पूरे करे आज। हवाई जहाज बना दिया मैंने आज मेरी बाइक को, और मेरी अभी तक की सबसे एडवेंचरस राइड पूरी करके आ रहा हूँ। कैनॉट डिस्क्राइब द फीलिंग घर वापस आने की, इतने लंबे सफर से, इतने खतरनाक सफर से। आज भी याद है कि इस राइड के पहले कैसे हाथ पैर कांप रहे थे, पर करना था तो करना था, इसलिए गाड़ी चालू करके निकल लिया था और बर्फ में इस गाड़ी को लेकर गया, मजा आ गया। तो आज मैंने बाइक राइड नहीं की है, आज लिटरली मैंने एरोप्लेन उड़ाया है राजस्थान हरियाणा बॉर्डर टू इंदौर मध्य प्रदेश, 750 किलोमीटर 12 घंटे 30 मिनट में, जिसमें आखिरी के 3 घंटे कम्प्लीट ऑफ रोड थे। तो जो भी है जैसा भी है मैं आ चुका हूँ इंदौर। तो मोर देन 3,000 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, मोर देन 100 लीटर्स ऑफ फ्यूल बर्न्ड, 15 डेज 1 पर्सन ऑल अलोन, देवभूमि हिमाचल राइड कंप्लीटेड। और बस यही कहूँगा कि दुनिया का एक ही सफर नामुमकिन है, वो सफर जो आप कभी शुरू नहीं करते। तो फिर होगी नई जगह, नया रोमांच और नया सफर। तब तक के लिए अलविदा।